नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, तारीख है 2 फरवरी 2019, समय सुबह के 11:34 हो रहे हैं, 55 सेकंड, 11:34, अब 57 सेकंड हो गए हैं। 2 फरवरी है तारीख, और यहां पे दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट पोजिशनल स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं चलाता हूं एक मेरा सेक्शन है अपने चैनल पर स्टॉक्स फटाफट वाले में, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूं जो आपको शॉर्ट टर्म में कम समय में कुछ परसेंट का आपको प्रॉफिट दे सकता है, कुछ उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं, उससे कुछ आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरा इस स्टॉक्स पे अपना क्या व्यू है और क्या इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, किस लेवल पे बनाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, इसको मैं अपने व्यू यहाँ पे रखूंगा। उसमें ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें और अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस कर लें, क्योंकि यहाँ मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और ना ही मैं आप लोग को कोई सलाह देता हूँ पर्सनली। तो चलिए, यहाँ सिर्फ मैं अपना व्यू बता रहा हूँ अपने इस स्टॉक्स पर। ये स्टॉक का नाम है भारती इंफ्राटेल का, ठीक है, ये भारती इंफ्राटेल का स्टॉक है। इसका डेली का चार्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेली के चार्ट पे ये स्टॉक पिछले जुलाई महीने से, अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं 300 को, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए ये स्टॉक ने क्या किया कि बिल्कुल एक रेंज के अंदर में पिछले 6 महीने से ज्यादा, 6 से 8 महीना बिल्कुल एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मतलब ये जो 300 का लाइन डाला है मैंने, 298 नहीं, इसको 300 कर देता हूँ, 300 के नीचे ये स्टॉक कंप्लीट 19 जुलाई 2018 से लेके अभी तक में बिल्कुल ये इस 300 के नीचे में ट्रेड कर रहा था। तो 19 जुलाई 2018 से कंप्लीट एक 300 के रेंज के नीचे में ये ट्रेड कर रहा था और इसने लो बनाया था 240 रुपए का, इसका ये लो पॉइंट है, आप देख रहे हैं। यानी 19 जुलाई 2018 से लेके ये अब तक का जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज की अगर हम लोग प्राइस के हिसाब से देखें तो ये 56 रुपए, यानी 50 रुपए का रेंज बता सकता हूँ, 50 से 55 रुपए के रेंज के अंदर में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब उस 50 से 55 रुपए के रेंज पे भी आपको ध्यान, अगर आप देखेंगे, अगर इस दो लाइन को हटा दें, पहले समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है, फिर हम लोग उस पर लेवल देखेंगे। उसमें भी अब यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक मैंने अब एक और रेंज लगा दिया, कंप्लीट 5 सितंबर से लेके ये 4 जनवरी, यानी कि 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना है ना, 5 महीना तक, 1 मिनट दोस्तों। तो इसने क्या किया है, 5 सितंबर 2018 से जो है दोस्तों, 5 सितंबर 2018 से लेके 4 जनवरी तक एक रेंज के नीचे फिर अगेन ट्रेड करता रहा, यानी दूसरी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। और पहले वाली रेंज की जो प्राइस था वो 55 रुपए का रेंज था और दूसरी वाली जो रेंज है वो हमारा 40 रुपए का रेंज, यानी 40 रुपीज का। अब इसने क्या किया, 4 जनवरी के बाद इसने क्या किया, उस रेंज को ब्रेक किया, माने पहले वाले रेंज को ब्रेक किया, फर्स्ट रेंज को इसने ब्रेक कर दिया। और उसके बाद जाके कहाँ पे अटकता है, जाके अटकता है उस सेकेंड वाले रेंज पर, यानी ये सेकेंड रेंज, फर्स्ट रेंज को ब्रेक करके सेकेंड रेंज को ये टच कर किया, ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं, फर्स्ट टाइम इसने पहले यहाँ से ब्रेक किया, करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। सेकेंड इसने फिर यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया, कितने तारीख को, इसने 7 तारीख को, 7 जनवरी को, नहीं ब्रेक कर पाया। अगेन आप देख रहे हैं कल इसने क्या किया है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बजट वाले दिन फिर से उसको टच करने की कोशिश किया, ब्रेक करने की कोशिश, नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये 300 रुपीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, बहुत ही हेवी रजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए, भारती इंफ्राटेल के लिए। और ये जो लंबाई आ रही है इस प्राइस रेंज, इस रेंज की, इसका आ रहा है 55 रुपीज पहला रेंज, दूसरा रेंज का जो लंबाई आ रहा है वो आ रहा है 40 रुपीज का लमसम, ठीक है, 40 रुपीज। तो ये 40 रुपीज के रेंज को तो ये ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, ये 40 रुपीज के रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक करके अब ट्रेड कहाँ कर रहा है, 300 पे जब ये ट्रेड कर रहा है, तो ये उसका डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे अब मैं जरा आपको इसका मूवमेंट
ट्रैक करने की बात कर रहा हूँ कि कैसे मूवमेंट को आप ट्रैक कर रहे हैं। अगर जो लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो मूविंग एवरेज पे बहुत भरोसा करते हैं, उसे मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे सिंपल छोटा मूविंग एवरेज हम लोग लगाते हैं 9 डेज का। सबसे छोटा तो 5 डेज होता है, लेकिन चलिए 9 डेज भी लगाते हैं। तो 9 डेज की जो एवरेज आ रही है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका प्राइस आ रहा है 287 का। मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे मार्क करके मूविंग एवरेज के प्राइस को मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए, ये 9 डेज का मूविंग एवरेज का कितना प्राइस आ रहा है, 287.64 का। यानी और स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 296 के ऊपर, यानी स्टॉक यहाँ पे बुलिश है, 9 डेज से बुलिश है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया है, 15 डेज की अगर मूविंग एवरेज को हम लोग प्लॉट करते हैं, तो मैं 15 डेज के भी मूविंग एवरेज को प्लॉट कर रहा हूँ, उसका भी आप जरा यहाँ पे प्राइस देख लीजिए कि ये क्या बता रहा है। उसका प्राइस, उसका प्राइस आ रहा है, 1 मिनट मैं इसको, आप इसको जरा 15 डेज पे सेट कर देता हूँ, 284.32 का, और स्टॉक 296 पे क्लोज है, 296 पे। ये भी आपको दिख ही रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, स्टॉक यहाँ भी बुलिश है। उसी तरह अब मैं प्लॉट करता हूँ 20 डे के मूविंग एवरेज को, तो स्टॉक उसके भी ऊपर है, ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर है, बहुत अच्छे तरीके से बुलिश है। यानी टोटल का टोटल जितना मूविंग एवरेज है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 का भी लगा ले तो 50 के भी ऊपर चल रहा है। 50 का जो क्लोजिंग आ रहा है 274.55, और स्टॉक 296 पे है। 100 को भी लगा लेते हैं तो 100 का क्लोजिंग आ रहा है 274.65, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग है। उसके बाद हमारा जो है 30 को भी अगर लगा लेते हैं तो 30 के भी ऊपर चल रहा है। और अब लास्ट सबसे बड़ा मूविंग एवरेज जो 200 EMA, उसको भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो अब जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये 200 EMA है। यहाँ पे हमें क्या दिखा कि स्टॉक इसके भी ऊपर क्लोजिंग है, इसका 200 EMA का जो प्राइस आ रहा है वो 288 का आ रहा है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 288 को दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, 288 का 200 EMA का मूविंग एवरेज का प्राइस आ रहा है, और स्टॉक 296 के ऊपर क्लोज है। यानी ओवरऑल सारे मूविंग एवरेज को ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है, यानी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये स्टॉक। क्यों दिखा रहा है, काफी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। मैं सारे मूविंग एवरेज को गैप कर देता हूँ और ब्लैंक कर दिया। काफी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ, यानी ये जो 40 रुपए का रेंज बना था, इस 40 रुपए के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, उसको ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस 40 रुपए के रेंज को ब्रेक कर रहा है तो इसके पास अब अगला रेजिस्टेंस ये 55 रुपए का जो रेंज है वो बच रहा है। अब ये 55 रुपए के रेंज को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक एकदम तूफानी रफ्तार से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए इसमें पोजिशन क्या बनेगा, पोजिशन कब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, अब इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए इसमें पोजीशन कैसे और क्या बनाना है। देखिए, थोड़ा ये तो डेली का चार्ट हो गया, डेली चार्ट पे सारा चीज मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे थोड़ा और छोटा कर ले। तो देखिए, डेली के चार्ट पे ये स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया था, ये स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक टॉप यहाँ पे, एक टॉप यहाँ पे, मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये स्टॉक ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, यहाँ एक मार्क कर दिया, एक मार्क यहाँ कर दिया, ठीक है, डबल टॉप बनाया। उसी तरह ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम भी नीचे क्रिएट किया, चाहे तो आप ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी एक बॉटम है इसको। अब यहाँ पे नीचे आके इसने अपना बॉटम बनाया, ऊपर दो बॉटम और नीचे, ऊपर दो टॉप है, डबल टॉप, और नीचे तीन बॉटम है, थ्री बॉटम को ये स्टॉक बना चुका है। अब इसके बाद ये स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने देखा ये डेली चार्ट पे डबल टॉप बना चुका है। अब जरा हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, एक बार हम लोग इसको वीकली चार्ट पे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखें, स्टॉक कंप्लीट डाउनफॉल में आ रहा है, कंप्लीट ये स्टॉक एकदम डाउनफॉल में आता चला जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो स्टॉक बिल्कुल कंप्लीट डाउनफॉल में चलता चला जा रहा है, कंप्लीट नीचे। अब हमारे लिए इसमें क्या होगा, हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, टेक्निकल चीजें किस तरह से काम करती है इसको समझना पड़ता है ना, यहाँ जादू से कुछ नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है चार्ट आपको समझने में, चार्ट को करने में। तो जब तक आप समझेंगे नहीं, यहाँ लोग आते हैं स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, जरूर सीख के पैसा बना लेंगे, पर वो क्षणिक होता है ना। स्ट्रेटेजी से अगर सारे लोग पैसे कमाते हैं तो सारे लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी सीख के ही शेयर मार्केट के बादशाह बन जाते हैं ना, पर यहाँ तो वो पॉसिबल है नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मास्टर आदमी होंगे, मैं तो साधारण सा बंदा हूँ। चलिए, हम लोगों ने सारी चीजों को हटा दिया, अब हम लोग एक क्या कर रहे हैं, इसको वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं करना, यहाँ पकड़ना है। ट्रेंड लाइन वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। हमने एक ट्रेंड लाइन को वीकली चार्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जहां जहां पे मैच कर रहा है पॉइंट,
आपको वहां वहां जोड़ते चले जाना है, जहां से अच्छा से मैच करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां पर से अच्छा से मैच करे वहां से जोड़ देना। देखिए स्टॉक का ये ट्रेंड लाइन बन गया, स्टॉक का ये ट्रेंड लाइन बन गया, और नीचे हमारा एक सपोर्ट प्राइस है, यानी वीकली चार्ट पे यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा दिया। अब ये सारे ड्रॉ को हम लोगों ने हटा दिया, सारे ड्रॉ को हटा दिया। अब जरा छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न। अब इसको कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, तो गलत है भाई साहब, इसको आप यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब ठीक है, यहाँ से अब आपको लगेगा कि ये सही है। चलिए यहाँ से जब आपको ये लग गया कि ये सही है, तो अब जरा मैं आपको थोड़ा सा और वाइड रेंज में करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1, 2 एंड 3 अब हो गया, यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न डेवलप कर गया ये। ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है कि आपको यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न डेवलप कर रहा है, ये स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप कर रहा था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया, इस ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने वीकली चार्ट पे, सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके। अब जरा डेली का चार्ट पे आते हैं वापस, यहाँ तक बात समझ में आगे क्लियर। अब डेली चार्ट पे हम लोग आते हैं, ये पैटर्न को हम लोग रहने देते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रहने देते हैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। अब जो 300 का इसका रेजिस्टेंस लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक ने डेली चार्ट पे क्या किया है, 300 का रेजिस्टेंस लिया है और एक पैटर्न को डेवलप किया, वो पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसको कि कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोला जाता है। अब कहिएगा कि ये तो कप हो गया, तो हैंडल कहाँ है? ठीक है, हैंडल कहाँ है, तो मैं हैंडल भी दिखा देता हूँ। दिस इज हैंडल, बन गई हैंडल, कप के साथ हैंडल भी आ गई, चाय पीजिए। तो अब जो है हमारे लिए इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा, हमारे लिए नया पोजिशन बनाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा वीडियो मैं बकबक कर रहा हूँ, लोग नहीं सुनेंगे, लोग मोबाइल पे स्क्रीन पे उंगली रखेंगे, उसको भगाएंगे कि लेवल क्या बता रहा है लड़का, सीधे लेवल देखो, बाद में वीडियो हटाओ, है ना। लेकिन देख लेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम लगा के, बिना समय दिए तो पैसा बनता नहीं। तो यहाँ पे हमारे लिए जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग पोजिशन बनाएंगे। तो मैं लेवल इसमें जरा मेंशन कर देता हूँ, एक और देखा, जब मूविंग एवरेज दिखाई दिया मैंने आप लोगों को, तो एक और दिखाई देता हूँ, एमएससीडी। ठीक है, एमएससीडी वाला भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर उसको भी देख लीजिए। देखिए एमएससीडी ने भी क्रॉस ओवर कर दिया, एमएससीडी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्रॉस ओवर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमएससीडी ने भी बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस ओवर कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है कि सारे मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, एमएससीडी क्रॉस ओवर कर चुका है, यानी ये स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब चलिए हम लोग लेवल की बात करते हैं, जब ये स्टॉक 300 के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है, बाइंग पोजीशन के लिए हम लोग कब करेंगे, जब ये 300 के ऊपर क्लोज करेगा ये स्टॉक, तब हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, जब 300 के ऊपर क्लोज करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कब करना है एंट्री, मैं एंट्री के लिए लिख देता हूँ दोस्तों, एंट्री के लिए कहाँ गया टेक्स्ट फाइल, या इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से मैं टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाय एबव, कब करना है, बाय एबव 300, ठीक है, 300 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस, जब ये 300 के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है, क्लोज करेगा तब हमें पोजीशन बनाना है। और ये देखिए 300 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज करेगा, पोजीशन इंट्राडे में ही बनेगा, मॉर्निंग आवर में ही पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 3 से 3:15 बजे तक अगर ये आपको 300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है तो आप इसको डिलीवरी ले जा सकते हैं, होल्ड करके ले जा सकते हैं आगे की तरफ, इसमें आगे पोजीशन बना सकते हैं। और उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यानी बाइंग स्टॉप लॉस, वो हमारा होगा 285 रुपए का। स्टॉप लॉस कितने का लगेगा, 285 रुपए का एसएल लगेगा, ठीक है, 285 का हमारा एसएल लगेगा यहाँ पे, यानी कि 15 रुपए का हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा। याद रखिएगा 15 रुपए का हमारा रिस्क बन रहा है। जो 15 रुपए का रिस्क बन रहा है, तो पहला टारगेट हमारा क्या आएगा, सबसे पहला टारगेट हमारा आएगा 320 रुपए का, ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमारा आएगा 320 रुपए का, मैं यहाँ टारगेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पे मैं टारगेट लिख देता हूँ, टारगेट वन, टारगेट वन होगा 320 रुपए का, ठीक है, टारगेट वन 320 रुपए का होगा, यानी जितना का रिस्क था उतना आपका तो पहला ही टारगेट में कवर हो गया, ठीक है, पहला ही टारगेट में उतना कवर हो जाएगा। और अगला टारगेट क्या निकल के आएगा, अगला टारगेट निकल के आएगा 345 का, यानी 345 रुपए का, ठीक है, 345 रुपए का हमारा अगला टारगेट होगा, 345 रुपए का, और ये फाइनल होगा, मेरे तरफ से ये फाइनल टारगेट होगा। उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे पास जो मेरा टारगेट सेकंड टारगेट होगा, फाइनल टारगेट होगा, वो 345 रुपए का होगा। तो देखिए मैंने स्टॉक को चाहो तो लेवल तुरंत ऐसे ही बता दूं, वीडियो बंद कर दूं, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे समझ में कुछ आना आपको नहीं है। टारगेट हमारा 320 और 345 का है, टारगेट वन 320 का और टारगेट टू जो है 345 रुपए का, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टारगेट टू दोबारा से,
टारगेट टू एंड फाइनल टारगेट या 345 रुपए का। तो दो टारगेट हो गए, लेकिन पोजीशन कब बनाएंगे और क्यों बनाएंगे इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक ने डेली चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, सारे मूविंग एवरेज 5 डेज 9 डेज 20 डेज 15 डेज 30 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, साथ ही एमएससीडी क्रॉसओवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में अब जो रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का रेजिस्टेंस लेवल 300 का, उसको जब ब्रेक करके क्लोज करेगा 300 के ऊपर हम लोग पोजीशन बनाएंगे और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 285 रुपए का लगाएंगे। टारगेट पहला 320 का होगा, दूसरा टारगेट 345 का होगा हमारा भारतीय इंफ्राटेल में। तो दोस्तों ये था मेरा भारतीय इंफ्राटेल में अपना व्यू। अगर आप लोगों को पोजीशन बनाना है, इसमें डिलीवरी लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके बनाएं, क्योंकि यहाँ मेरा सिर्फ अपना व्यू है, मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको नहीं देता हूँ और ना ही मैं कोई सेबी एनालिस्ट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो इसमें ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, एनालिसिस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।